आसमान ने सुनाया सभी को स्टोरी। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको उदारिया का बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट वाला इंटरेस्टिंग सब चीजें आपको देखने को मिलेगी अपकमिंग एपिसोड के अंदर। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली आसमान ने बता दिया है अपनी बात एक स्टोरी की तरह। जी हाँ सभी को, जी हाँ वेल दोस्तों, हुआ कुछ यानी आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली आसमान होती है। और आपको पता होगा कि सभी के सभी घर वाले वैसाखी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने एपिसोड देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा। तो वही एक तरफ आसमा आती है अपना एक वो लेके, और फाइनली वो लेके आती है ढोल वगैरह लेके आती है और बोलती है कि मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ। और फाइनली आसमा सुनाने लग जाती है कहानी, और वो रियल कहानी होती है। जी हाँ, जैसे जैसे उसके साथ शुरू किए गए थे, जैसा कि आपको पता होगा कि अरमान ने भी उसको बोल दिया था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तुम्हारे जो पेट के अंदर है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि मूर्तिधम का बच्चा है, यानी कि मेरा बच्चा नहीं है बल्कि मूर्तिधम का बच्चा है। जी हाँ, इसी को वो स्टोरी के तरीके से सुना रही थी सभी को। जी हाँ वेल दोस्तों, ये स्टोरी जब सुना रही थी आसमा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, और जो जो ये स्टोरी सुन रहे थे वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जी हाँ, पर अरमान जो होता है वो भी अपनी बातों पे थोड़ा बहुत गिल्ट फील करना स्टार्ट कर देता है और रिग्रेट होता है बहुत ही ज्यादा। वेल अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल वैसे आपको आने वाला एपिसोड कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए, तो वो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। और ऐसे अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। सो इस वीडियो में तक मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।